बड़ी खबर आ रही है इसराइल हमास युद्ध को लेकर। इसराइल का गाजा पर बड़ा अटैक हुआ है। फिलिस्तीन की रेस्क्यू टीम पर इसराइल ने हमला किया है, तो ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसराइल हमास युद्ध को लेकर एक नया अपडेट है, तस्वीरें भी सामने हैं। इसराइल ने गाजा पर बड़ा अटैक किया है और आप देखिए फिलिस्तीन की जो रेस्क्यू टीम है उसे निशाना बनाया गया है। फिर तो एबीपी न्यूज पर सबसे पहले और सबसे बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए गए और जो फिलिस्तीन की रेस्क्यू टीम थी उसे पलक झपकाने तक का मौका नहीं मिला। जबरदस्त एक्शन इसराइल की तरफ से लिया गया है और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अभिषेक, जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है और नए नए फ्रंट की बातें और चेतावनी दोनों आ रही हैं, इन सब के बीच क्या माना जाए कि जैसा कि अभी रिटायर्ड जनरल मिस्टन साहब कह रहे थे कि अगर हॉस्टेजेस छोड़े गए तो ठीक, वरना हमास के लिए बड़ी मुश्किल और हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं उसमें एक बात समझनी होगी, हॉस्टेज को लेकर के बहुत ज़्यादा इसराइल के अंदर उम्मीद नहीं है कि वे सुरक्षित भी होंगे। जिस तरह से वहाँ से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से हमास ने मारा है जो बंधक थे उनमें से, जिस बर्बरता से उनमें से कुछ की हत्या की है, और जो वहाँ से आए हैं, जो हमास जब अटैक किया था जो बच निकले थे, उन्होंने अपनी आँखों देखा बताया है कि किस बर्बरता के साथ में मारा जा रहा था। तो हमास ने जिस तरह की हरकतें की हैं, आतंक की हरकतें, इसराइल को बहुत ज्यादा उम्मीद ये नहीं बची है कि बंधकों की स्थिति क्या होगी, लेकिन ये भी तय है कि वो उसकी प्रायोरिटी में है, वो उसकी प्राथमिकता में है कि बंधकों को जितना अगर भी, क्योंकि इसराइल ने ऐसा भी नहीं कि हमास ने सारे बंधकों को मार दिया होगा, एज ए ट्रेड ऑफ, एज ए बार्गेन, एज इसराइल को पुश करने के लिए उनको जरूर हमास ने रखा होगा बंधकों को सुरक्षित, कुछ बंधक जरूर सुरक्षित होंगे, तो उनको छुड़ाना एक प्रायोरिटी है इसराइल के लिए। लेकिन साथ साथ में जो एयर स्ट्राइक है वो लगातार जारी है, और मैं भी कुछ देर पहले आपको बताऊं, कुछ देर पहले ही शेजरोत के पास हमने जबरदस्त धमाके हुए हैं गाजा की तरफ में, और खबर ये मिली है कि वहां पर शेजरोत के उस पार यानी कि जो जो गाजा के भीतर का इलाका है वहां पर कई सारे हमास के जो रिहायशी इलाकों में जो टेरर ऑपरेटिव जो वहाँ पर थे और उनकी जानकारी थी, उनको टारगेट करके वहाँ पर धमाके किए गए हैं। तो ये लगातार ये कार्रवाई जारी है और इंतज़ार इसी बात का है, इसराइल की, इसराइल से जो हमें खबर मिल रही है, जो यहाँ के सोर्सेज बता रहे हैं कि सारा अब फोकस है ग्राउंड मेजर पर, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पल पल की अपडेट हम आपसे ले रहे हैं। ABP News, आपको रखे आगे।